हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेआरएफ केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मार्कोनिकॉफ एडिशन स्टडी किया था। आज हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन को स्टडी करेंगे। तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन जो होता है वो मार्कोनिकॉफ एडिशन का जस्ट रिवर्स होता है। दैट इज इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ द प्रोपिलीन, दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये प्रोपिलीन है, ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। जब इसकी रिएक्शन HBr से कराएं, बट इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, कोई भी अगर हम परऑक्साइड लेते हैं, परऑक्साइड इसमें कोई भी परऑक्साइड हो सकता है, फॉर एग्जांपल बेंजोइल परऑक्साइड, जैसे कि C6H5COO होल ट्वाइस, ओके, ये बेंजोइल परऑक्साइड है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड और सोडियम परऑक्साइड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जो एडिशन है HBr का जस्ट रिवर्स होगा, दैट इज ब्रोमीन जो है, ब्रोमाइड आयन उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे। तो दैट इज यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH2CH2 एंड Br। ये आपका जो है वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये एंटी मार्कोनिकॉफ का एडिशन है वो कैसे होता है। इसमें अगर हम इसकी पहले मैकेनिज्म देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो परऑक्साइड इफेक्ट होता है ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। मैकेनिज्म कैसी होगी इसकी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। अब इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में थ्री स्टेप्स होते हैं। दैट इज पहला जो स्टेप्स होता है उसको हम लोग कहते हैं चेन इनिशिएशन। जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे चेन एक स्टार्ट होती होगी। चेन कैसे स्टार्ट होती है, जहाँ पे जो हम परऑक्साइड लेते हैं, फॉर एग्जांपल बेंजोइल परऑक्साइड लिया है, इस फ्री इसका क्लीवेज होगा, होमोलिटिक क्लीवेज, दैट इज ये बेंजोइल परऑक्साइड है, इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होगा। दैट इज ये वाला बॉन्ड ऐसे यहाँ पे टूटेगा और ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगी, इसकी होमोलिसिस होगी। होमोलिसिस के बाद फ्री रेडिकल जनरेशन होगा, दैट इज C6H5C OO फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले स्टेप में जो परऑक्साइड आयन है उसका डिकम्पोजिशन हो करके परऑक्साइड फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप को हम लोग कहते हैं चेन प्रोपगेशन स्टेप। इसमें क्या होता है, चेन प्रोपगेशन स्टेप में ग्रोथ होती है फर्दर रेडिकल्स की। दैट इज यहाँ पे जो फर्दर जो रेडिकल बना हमारा C6H5 बेंजोइल रेडिकल, ये क्या करेगा, ये HBr के साथ रिएक्ट करेगा। HBr के साथ रिएक्ट करने के बाद जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन बॉन्ड है, ये इसकी होमोलिसिस होगी और फ्री रेडिकल जनरेट होगा। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ कंबाइन हो करके और ये क्या बना देगा आपका, ये बना देगा बेंजोइक एसिड, दैट इज C6H5C OH हो गया और प्लस ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। नेक्स्ट स्टेप में ये भी जो प्रोपगेशन स्टेप है दो स्टेप के होते हैं। फर्स्ट स्टेप में ब्रोमीन जनरेट हुआ, सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो एल्कीन है CH3CH2 इसके साथ ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल कंबाइन होगा। अब दो तरीके से इसकी क्लीवेज होगा, यहाँ पे एक प्राइमरी रेडिकल और सेकेंडरी रेडिकल जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पे सेकेंडरी रेडिकल का जनरेशन होगा क्योंकि सेकेंडरी रेडिकल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ये क्या है, 2° रेडिकल है और ये स्टेबल होता है, ठीक है, 1° रेडिकल अनस्टेबल होगा। नेक्स्ट स्टेप जो है वो होता है आपको चेन टर्मिनेशन स्टेप होगा। जैसे ही हमें पता है कि चेन टर्मिनेशन स्टेप में जो फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं प्रोपगेशन स्टेप में वो कंबाइन होते हैं। दैट इज़ यहाँ पे ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो है वो ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होकर के Br2 मॉलिक्यूल जनरेट करेगा। सिमिलरली जो रेडिकल हम लोगों ने जनरेट किया, दैट इज CH फ्री रेडिकल CH2Br बना, ये 2° रेडिकल है, ये 2° रेडिकल इट्सेल्फ कंबाइन होकर के
चेन ब्लॉकेज देगा, दैट इज यहाँ पे दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, दैट इज CH3CH and CH। यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2Br, ये क्या हो जाएगा CH2Br एंड दिस इज द CH3। तो ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट हो गए। और क्या पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं यहाँ पे, जो ये फ्री रेडिकल है CH2Br जो है वो HBr के साथ कंबाइन होकर के और आपका फाइनल प्रोडक्ट देगा CH3CH2CH2Br एंड प्लस ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब ये जो चेन टर्मिनेशन स्टेप है, जितने भी पॉसिबल कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। तो ये जो आपका है वो है आपका फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या चीज़ है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो इस फाइनल प्रोडक्ट में हमने देखेंगे कि हमें अ मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट मिलता है। जो हमें अनवांटेड प्रोडक्ट होते हैं उसको हम डिस्टिलेशन से रिमूव कर देते हैं और जो हमें चाहिए होता है वो हम फाइनल। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात ये होगी कि ये जो चेन टर्मिनेशन स्टेप में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इसमें जो आपका जो परऑक्साइड इफेक्ट है, परऑक्साइड इफेक्ट ये हमेशा ही HBr के साथ ही ऑब्जर्व्ड होता है, HBr के साथ ही ऑब्जर्व्ड होता है। ये HCl और HI के साथ परऑक्साइड इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। इसकी क्या वजह है, इसकी ये वजह ये है कि जो हम लोगों ने चेन प्रोपगेशन स्टेप लिखा था, इसमें चेन प्रोपगेशन स्टेप दैट इज़ इसमें हम लोगों ने एक लिखा था चेन प्रोपगेशन स्टेप में, दैट इज़ CH डबल बॉन्ड CH2 है, वो HBr के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता था, CH3 CH2 फ्री रेडिकल प्लस Br। ये यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा था Br रेडिकल के साथ कंबाइन हो करके, एक प्रोपगेशन स्टेप ये था। दूसरा प्रोपगेशन स्टेप में क्या हो रहा था, यही जो CH3 CH2 फ्री रेडिकल एंड CH2Br है, ये HBr के साथ फिर कंबाइन हो करके फाइनल प्रोडक्ट बना रहा था CH2 CH2Br और प्लस ब्रोमीन फ्री रेडिकल यहाँ से जनरेट हो रहा था। तो ये जो दो स्टेप है ये किस में यूज़ हो रहे थे, प्रोपागेशन स्टेप में ये दो स्टेप यूज़ हो रहे थे। और ये दोनों ही स्टेप जो होते हैं प्रोपागेशन स्टेप, ये बोथ द स्टेप जो हैं वो कैसे हैं, एक्सोथर्मिक। कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो निगेटिव होती है। इसका मतलब है कि दोनों प्रोपगेशन स्टेप जो हैं ये HBr के केस में दोनों ही निगेटिव होते हैं, दोनों ही स्टेप एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक होने की वजह से यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन होता है और हीट इवॉल्व होती है। तो ये जो हीट इवॉल्व होती है ये फर्दर रिएक्शन को कैरी करने के लिए यूज़ हो जाती है और हमारी रिएक्शन जो है वो चलती रहती है। जबकि HCl और HI के केस में एक स्टेप जो है वो एंडोथर्मिक होता है और दूसरा जो है स्टेप एक्सोथर्मिक होता है। तो हमें ये मालूम है कि ये दो स्टेप जो है वो HBr और HI के केस में एक एंडोथर्मिक होता है और दूसरा एक्सोथर्मिक होता है। तो इस केस में हीट ऑफ रिएक्शन काफ़ी स्मॉल होती है, तो वो हीट ऑफ रिएक्शन सफिशियंट नहीं होती है कि रिएक्शन को वो फर्दर प्रोसीड कर सके। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ये जो चेन प्रोपगेशन स्टेप है ये स्लो डाउन हो जाता है और टर्मिनेशन स्टेप जो है वो डोमिनेट कर जाता है, और टर्मिनेशन स्टेप डोमिनेट होने की वजह से चेन यहाँ पे ब्रेक हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो आपका परऑक्साइड इफेक्ट है केवल HBr के साथ ऑब्जर्व किया जाता है, HCl और HI के साथ ऑब्जर्व नहीं किया जाता, इसकी क्या वजह है। इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि HBr के जनरेशन में HBr जब ये कंबाइन करता है तो दो प्रोपगेशन स्टेप होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक होने की वजह से जो हीट इवॉल्व होती है वो फर्दर यूज हो जाती है रिएक्शन को कैरी करने में, जबकि HCl और HI के केस में एक प्रोपगेशन स्टेप एक्सोथर्मिक और दूसरा एंडोथर्मिक होता है। तो ओवरऑल जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो होती है, स्मॉल होती है,
वो स्मॉल रिएक्शन हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए सफिशिएंट नहीं होती है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि प्रोपगेशन स्टेप डोमिनेंट कर जाता है और चेंज होती है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। इसीलिए केवल HBR के साथ ही आपको परोक्साइड इफेक्ट मिलता है।